दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा जिले में एक बार फिर बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल ये मामला जिले के जवा तहसील के अंतर्गत रामबाग में मध्यांचल बैंक के कियोस्क सेंटर का बताया जाता है, जहां दबंगों ने घुसकर मारपीट की है। घटना देर रात की बताई जाती है। कियोस्क संचालक के ऊपर दबंग पैसा निकालने का दबाव बना रहे थे। रात में पैसा न निकालने पर सुबह दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट किया। दोनों तरफ से मारपीट हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आए दिन रामबाग चौराहे पर दबंगों के द्वारा दुकानदारों को परेशान किया जाता है, जिसकी शिकायत परिवार थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। फिलहाल पुलिस विवेचना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देख के लगता है कि क्यों सेंटर में ये कुछ दो तीन अपराधी टाइप के लोग हैं, ये जाके मारपीट कर रहे हैं। इस तरह का विवाद हुआ, थाना प्रभारी से जानकारी ली गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि क्यों सेंटर से किसी व्यक्ति जो थाने पे आया था, उसने शिकायत की कि ऐसा उसके साथ मारपीट हुई। प्रधान आरक्षक थे, उनके द्वारा अभी NCR दर्ज की गई है। थाना प्रभारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि रात्रि में कुछ लोग आए थे कि पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो कि सेंटर प्रभारी के द्वारा मना कर दिया गया था कि भाई अब रात हो गई, अब नहीं हो पाएगा, बंद हो गया सेंटर। इसी बात को लेकर विवाद कर लिया और ये मारपीट की गई है। पुलिस अभी इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही है।